नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। देवरी से विधायक हर्ष यादव सहित पार्टी समर्थकों ने आदिपुरुष फिल्म का विरोध किया है। बता दें कि विरोध करते हुए आमजन ने कहा है कि आदिपुरुष फिल्म रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई है और देश भर में फिल्म के खिलाफ विरोध कर स्वर उठ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी फिल्म का विरोध शुरू कर दिया है और लगातार फिल्म निर्माताओं के साथ साथ सरकार को आड़े हाथों ले रही है। देवरी नगर में स्थित संकट मोचन मंदिर पर कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि जहां कांग्रेस विधायक हर्ष यादव ने अपने समर्थकों के साथ सुंदरकांड का पाठ किया और कांग्रेस विधायक हर्ष यादव का कहना है कि जिस प्रकार से फिल्म में चित्र दिखाए गए हैं और उसमें जो भाषा का उपयोग किया गया है वह हिंदू धर्म पर सीधा प्रहार है और भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और ऐसी भाषा चलचित्र बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने मांग की है कि फिल्म को मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित किया जाए और फिल्म निर्माता को और लेखक सेंसर बोर्ड पर भी कार्रवाई की जाए। बोर्ड के द्वारा आदिपुरुष फिल्म रिलीज हुई है, उसमें चित्र का जो छायांकन किया गया है, जो शब्द बोले गए हैं, जो डायलॉग बोले गए हैं और जिस तरह से हम सबके आराध्य श्री रामचंद्र जी के भगवान के लिए, हनुमान जी के लिए, माँ सीता के लिए पिक्चर में दिखाया गया है, इससे पूरे देश की सनातन धर्म प्रेमियों को भावना आहत हुई है और कहने कहीं सेंसर बोर्ड का जो तथ्य है अचम्म है। हम लोगों ने आज रूस रूप, आज हनुमान जी का दिन है, मंगलवार का दिन है। ग्वारा से है जहां शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एवं प्रवेश उत्सव मनाया गया और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास के बाद 23 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू कर दिया गया। बता दें कि 9वें योग दिवस 2023 की थीम वसुदेव कुटुम्बकम के लिए योग है और वसुदेव कुटुम्बकम का अर्थ है धरती ही परिवार है। इस थीम का मतलब धरती पर सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए योग की उपयोगिता से ही। बता दें कि शैक्षिक सत्र और 2023 प्रारंभ होने पर विद्यालय में छात्राओं के प्रवेश के साथ विद्यालय में प्रवेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और छात्राओं को विषय चुनने जिसके बाद सुनियोजित तरीके से पढ़ाई करने के लिए मार्गदर्शन किया गया और विद्यालय के शिक्षकों द्वारा सुपर 100 परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। आपको बता दें खबर ग्वारा से जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया और जहां छात्रों को योग के लिए प्रेरित भी किया गया और इस योग दिवस का वसुदेव कुटुम्बकम का थीम रखा गया था। आगरमालवा जिले के कन्नड़ में युवक काम करने वापस अपने गांव गजरिया जा रहा था और इस दौरान जेसीबी की चपेट में आ गया और जिसके चलते युवक की मौत हो गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंचे जहां ग्रामीणों ने थानों में शव को रखकर चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और टीआई संतोष पाठक ने जेसीबी चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेसीबी को जब्त की है। वहीं मौके पर पुलिस के डीएसपी रघुनाथ खातरकर और टीआई संतोष पाठक, राजस्व विभाग नायब तहसीलदार ओम प्रकाश चोरमा, कस्बा पटवारी शुभम शर्मा पुलिस थाना पर ग्रामीणों को पहुंचकर समझाया। तभी मामला शांत हुआ और ग्रामीणों द्वारा अपने ग्राम ले जाकर शव का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि खबर आगर मालवा से है जहां जेसीबी की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई जिसके बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। थाने पर पहुंचे ग्रामीणों को
प्रशासन ने समझाया और समझाने के बाद वापस भेजा, जिसके बाद शव का दाह संस्कार किया गया। सीतामऊ नगर के सुप्रसिद्ध सिद्धिन विनायक क्रमांक 2 की कॉलोनी के निवासी कॉलोनाइजर के घटिया घटिया निर्माण और अपने मन मुताबिक कार्य करने से कॉलोनी के निवासी परेशान हो रहे हैं और तहसीलदार और नगर परिषद को भी अवगत कराया गया है। वहीं कॉलोनी के सभी निवासी अपने समस्याओं के बारे में बोलते हुए कहा कि कॉलोनाइजर द्वारा कहा गया है कि उन्होंने यह कॉलोनी नगर पालिका को हैंड ओवर करती है, तो उनकी समस्याओं का हल नगर पालिका को करना चाहिए। अभी हम मौजूद है सिद्धि विनायक कॉलोनी की उस जगह पे जहाँ पे आज यहाँ पे निवासियों ने सीतामऊ नगर परिषद अध्यक्ष और सीतामऊ के अनुभवी अधिकारी को अपनी समस्याओं का अवगत कराया है। यहाँ पे क्या समस्या है इनकी हम जानते हैं, क्या समस्या है यहाँ पे? लगातार थाने के पीछे 6 कॉलोनियां है और 6 ही कॉलोनियां ऐसा लगता है कि अनाथ है। यहाँ पे प्रशासन ना कोई ना सुनने वाला है इसकी और ना कोई देखने वाला है। जहाँ देखो गंदगी फैली पड़ी, ना कॉलोनी, कॉलोनी का मतलब होता है पानी, मूलभूत सुविधा है पानी, लाइट, बिजली, बगीचे सब। यहाँ 6 ही कॉलोनी में ना बिजली है, लाइट है, ना पानी है, ना बगीचा है। सिर्फ दिखाया गया नक्शे में, बेचा गया माल, उसका गायब। अब जब बात करते हैं तो सुनने को तैयार नहीं होता है। नाली, पानी के लिए नाली तक नहीं है यहाँ पे। कॉलोनी की एक प्रमुख समस्या आप देख सकते हैं कि ये पूरी कॉलोनी का पानी, जो गटर का पानी इधर जाता है, और आप देख रहे हैं ये नाला अभी अभी खोदा है, जो कि अभी बनाया गया है। और कॉलोनी का जो ये कहना है कि ये एक रास्ता है, इसको अभी नाले के रूप में परिवर्तित कर दिया, और आप देख सकते हैं कि आगे जाके ब्लॉक हो गया। ये पानी यहीं पे इकट्ठा हो रहा है और बारिश के समय अगर यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा तो आप लोग सोच सकते हैं किस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हमारे साथ। तीन दिन का समय दिया है, देखो 3 दिन तक देख लेते हैं, नहीं तो फिर यहाँ कोई भी चोरी चोरी गिर जाते हैं, बदबू आती है, सांप ही चढ़ जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, मतलब कुछ भी होता रहता, गंदा न संदान, कुत्ते भी सब कूद कूद के नहीं बैठ जाते। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आज नगर पालिका अनुभागीय अधिकारी के पास गए थे, उन्होंने 3 दिन का समय मांगा है कार्रवाई करने के ऊपर, और आप जनता की समस्याओं के ऊपर इस तरह अगर प्रशासन मौन रहेगा तो ऐसे कई कॉलोनी आचार्य जो अवैध तरीके के निर्माण करके बाद में जनता को बेकूफ बना देते हैं। योगेश गिरुटिया सीतामऊ से। ऊपर से नाला निकाल रखा है, नाले में इतनी गंदगी है, कभी तो गाय गिर रही है, कभी यहाँ मच्छर हो रहे हैं और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। फिर हमने नगर पालिका गए तो नगर पालिका वाले बोलते हैं कि भोलू सेठ के पास में, भोलू सेठ बोलता है कि नगर पालिका के पास में, मतलब कि सब ऐसी अस्त व्यस्त कर रखा है, कोई ढंग से जवाब नहीं दे रहा है। सीहोर नगर का गंगा आश्रम क्षेत्र में सिविल अस्पताल के पास रोड पर गड्ढा है और इस बात की सूचना नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर को दी गई और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने विषय के गंभीरता को समझते हुए तुरंत मौके पर पहुंचे और संबंधित अधिकारी को बुलाकर समाधान करने के निर्देश दिए हैं। और नगर पालिका अध्यक्ष ने बात करते हुए कहा कि छोटी छोटी समस्या बड़ा रूप ले लेती है और इसलिए तत्काल समाधान किया जाए। आपको बता दें खबर सीहोर से, जहां रोड पर गड्ढे को लेकर जानकारी दी गई है और नगर पालिका अध्यक्ष को जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष ने संबंधित सभी अधिकारी को निर्देश दिए हैं जो कि छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बड़ा ना बनाया जाए, इसको तुरंत निस्तारण किया जाए। सभी पार्षदों को जनता के जनादेश से हम लोग काम करते हैं। छोटी मोटी जो समस्याएं जो आती है जो आगे भविष्य में बड़ा रूप ले सकती है, उसको हम यहीं रोकर रोकते हैं। तो बड़ी घटना हो, कुछ अपनी घटना हो, तो उसके लिए मैं मुझे जानकारी मिली कि रोड पर भी घटना हो गया है, देखने आए हूँ इस घटना को, तभी मैं टीम बुलवा कर इसका निराकरण कर देता हूँ ताकि कोई अपनी घटना न।
खबर 11 स्पोर्ट्स से है, जहां सीएम राइजर स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम मनाया गया। मुख्य अतिथि में बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेश यादव की उपस्थिति में योग दिवस मनाया गया, जिसमें जनपद सीईओ भगवान सिंह राजपूत और स्कूल प्राचार्य ज्योति प्रकाश नेमा की मौजूदगी में योग दिवस मनाया गया। और वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि योग की शक्ति को दुनिया ने माना है और योग सभी को जोड़ने का काम करता है। भगवान देव नारायण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में कथा का भव्य आयोजन किया गया। वहीं ग्राम टकरावाद में सप्त दिवस महालक्ष्मी पंच कुंडी यज्ञ में आहुतियां देकर वैदिक मंत्रों उच्चार से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रतिमाओं की स्थापना की गई। वहीं भगवान देव नारायण जी के कथा में हजारों भक्तजन प्रतिदिन कथा श्रवण के लिए पहुंच रहे हैं और कथा में देव नारायण जी का विवाह के प्रसंग में मनोहारी दृश्य का रूपांतरण भी दर्शाया गया है। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ग्राम टकरावदा की पावन धरा पर अनंत विभूषित याज्ञिक सम्राट बाबा बालकदास जी महाराज के पावन सानिध्य में और भगवान देवनारायण हनुमान जी महाराज के पावन आशीर्वाद से टकरावदा के इतिहास में और क्षेत्र के इतिहास में पहली बार प्राण प्रतिष्ठा के रूप में इतना बड़ा यज्ञ और इतना बड़ा भव्य भंडारा सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। नारायण जी के मामा जी की धन्य धरा उज्जैन नगर है। उज्जैन के समीप ही बेरुगढ़ भगवान देव नारायण यानी माता साढ़ू का पियर उज्जैन नगर में था, जिसके समीप ग्राम सोडंग में भी भगवान देव नारायण जी का प्राचीन स्थल है, जहाँ पर भगवान देव नारायण जी ने सोडंग की धन्य धरा पर अपने हाथों से एक मूर्ति की स्थापना करी थी, जो आज तक भी मौजूद है। भगवान देव नारायण की और हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा महोत्सव और महायज्ञ का आयोजन हो रहा है और समस्त ग्रामवासी टकरावदा के जितने ही भक्तों के सहयोग से और यहाँ पे बहुत ये जो कार्यक्रम जो प्रतिष्ठा देवनारायण भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, बड़ी धूमधाम से पूरा गांव मना रहा है। यहाँ के इतना उत्सव है कि यहाँ पे बच्चे इस महायज्ञ में लगे हुए हैं। सिविल अस्पताल बैरसिया में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और मुख्य चिकित्सा खंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से सफाई कर्मचारियों ने बताया कि कई सालों से यहां साफ सफाई का काम करते आ रहे हैं, फिर भी हमें कलेक्टर रेट से वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में हमने मौखिक रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार अवगत भी कराया है और साथ ही उन्होंने कहा, लेकिन आज तक कोई भी उचित कार्रवाई सफाई कर्मियों की मांग पर नहीं की गई है। इस कारण से सफाई कर्मियों में असंतोष बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 5 सालों से निरंतर सफाई कामगारों को भी 3,000 रूपये प्रति माह और सुरक्षा गार्ड को 5,000 और सुपरवाइजर को 6,500 रूपये वेतन दिया जा रहा है, जो कि कलेक्टर रेट से भी कम है और इतनी महंगाई में कम वेतन में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें, खबर बैरसिया से है, जो कि सफाई कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा है और जिसको लेकर वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि कलेक्टर रेट से कम दिया जा रहा है वेतन, जिसको लेकर सफाई कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में जाकर अपना ज्ञापन सौंपा है और मांग रखी है कि वेतन में बढ़ोतरी की जाए।
आपको बता दें खबर वैरसिया से, जो कि सफाई कर्मचारियों ने मांग यही है कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम 3-3 हज़ार में क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं तो कम से कम 6-7 हज़ार रुपए तो मिलना चाहिए। आज की महंगाई में इतना क्या हो रहा है। आप लोग ठेके पे हैं या यहाँ से रोगी कल्याण समिति से हैं? ठेके पे 3-3 हज़ार में काम करा रही हैं, सुबह 8 घंटे की ड्यूटी ले रही हैं और काम करवे काजर के लिए बैठो मत ही रगड़ो ही कह लगे, काम बहुत ले रही हैं और पैसा सैलरी की कहते हैं कि भगा देंगे कह लगे हटा देंगे, ये बात बोलती हैं मैडम। अभी आपने किसको आवेदन दिया? गुरु मैडम को। क्या बोला उनने? कह लगे भगा देंगे तुमको कह लगे। ये कर्मचारियों की समस्या को लेकर आवेदन दिया गया है, इसमें क्या है कि काफ़ी समय से कर्मचारियों को सैलरी ना के बराबर 3-3 हज़ार रुपये दी जा रही है, जबकि कलेक्टर रेट के हिसाब से प्रशासन को सैलरी देना चाहिए और इसकी मौखिक कई बार मौखिक रूप से अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है और इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही, इस वजह से आज ये ज्ञापन दिया गया है। कितना वेतन है आप लोग? 3 हज़ार। आपने इसकी शिकायत कहीं करी? हाँ मैडम से कितनी बार बोला, भी मैडम सुनती नहीं। क्या बोल देते हैं? धमकी देते हैं कि भगा देंगे, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, बजट नहीं है। छिंदवाड़ा के चौड़ी विकासखंड अंतर्गत बुतेरा गांव में अवैध उत्खनन रोकने से गई खनिज विभाग की संयुक्त टीम पर अवैध उत्खनन करने वाले ठेकेदारों ने जानलेवा हमला कर दिया और सरकारी वाहनों में भी लाठी डंडे और पत्थर से तोड़फोड़ की। और बताया जा रहा है कि बुतेरा गांव में अवैध रेत मुरम उत्खनन की शिकायत मिलने के बाद खनिज विभाग की संयुक्त टीम के 3 इंस्पेक्टर महेश विवेकानंद यादव और स्नेहालता ठवरे मौके पर पहुंचे थे और इस दौरान संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और पंचनामा तैयार किया और इसके बाद दर्शन भर से भी ज्यादा उत्खनन करने वाले हमलावर मौके पर पहुंच गए और खनिज विभाग की संयुक्त टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि सरकारी वाहन में भी तोड़फोड़ की गई है, जिसकी शिकायत मिलने के बाद चोरई पुलिस ने नामजद एक व्यक्ति सहित अन्य लोगों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल चौराई थाना क्षेत्र के बुतेरा गांव के पास किसी मुहर्रम से जुड़े अवैध खनन को लेकर वहां के खनिज अधिकारी कार्रवाई हेतु गए थे। कार्रवाई के समय पुलिस को सूचना नहीं थी, किंतु उनके द्वारा बताया गया हमें कि वहां पर जब वो जब्ती कार्रवाई कर रही थी तो वहाँ जो लोग उपस्थित थे उन लोगों के द्वारा उनके शासकीय कार्य बाधा डाली गई और अभद्रता भी की गई, जिसको लेकर थाना चौराई में पुलिस द्वारा 353 और अन्य धाराओं पर केस कायम हुआ है। इंदौर में एक बार फिर रिश्तों को संसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी 6 वर्ष की बेटी के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया और जब यह बात बेटी ने अपनी मां को बताई तो मां ने थाने पहुंचकर अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें खबर इंदौर से, जहां एक बार फिर रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां मासूम के साथ खुद पिता ने दुष्कर्म किया और जब मां को बेटी ने बताई अपने पीड़ा तो मां ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद थाने इंचार्ज ने कार्रवाई की है। एक कल शिकायत आई और माँ ही फरियादिया है, छोटी सी बच्ची है 6 साल की नाबालिग, और शिकायत ये थी कि उसी के पिता के द्वारा उसके साथ गलत व्यवहार किया गया। तत्काल संज्ञान लेते हुए समस्त जो घटना है वो सीनियर ऑफिसर को अवगत कराई और निर्देश प्राप्त कर तत्काल संज्ञान लेते हुए उस पर FIR की है
और रात में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। उसके द्वारा उस बच्ची के साथ गलत व्यवहार, गलत कार्य करने की शिकायत थी। नहीं, ऐसी बात तो सामने नहीं आई है, बट एक बार करें या साफ साफ करें, बात तो बहुत गंभीर है और चूंकि रिश्ता ऐसा है और बच्ची बहुत छोटी है, बहुत सेंसिटिव मैटर है, तो तत्काल संज्ञान लिया गया। इंदौर में एक बार फिर व्यापम घोटाले का मामला सामने आया है और भोपाल एसटीएफ की टीम ने इंदौर के विजयनगर थाने पर पदस्थ एक पुलिसकर्मी को हिरासत में ले लिया है और विभिन्न धाराओं में कार्रवाई कर उसे नोटिस पर छोड़ा है। बता दें कि पुलिसकर्मी ने गलत जानकारी देकर पुलिस विभाग में नौकरी ली थी और उसी के बाद एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई कर नोटिस पर छोड़ दिया है। एसटीएफ की टीम एक आई थी थाना विजयनगर पे, तो उन्होंने एक आरक्षक जो विजयनगर पे पदस्थ हैं उनको जो है उस अपराध में उनको दिनांक 23 तारीख को उपस्थित रहने हेतु भोपाल में पाबंद किया गया। उसके संबंध में उन्होंने थाना प्रभारी को एक नोटिस दिया। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आशीर्वचन से सभी को कृपा करें, सादर अनुरोध। मुख्यमंत्री सामयिक विवाह कार्यक्रम के आज के इस आयोजन में मंच पर उपस्थित भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, कितने लोगों ने रवि किशन जी की फिल्म देखी है? ओह, काफी लोगों ने देखा। फ्री में देखा या पैसा लेकर के? बांसगांव के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक गण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक सहजनवा प्रदीप शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, सामयिक विवाह कार्यक्रम में आए हुए सभी अभिभावकगण, दुल्हन और दूल्हा दोनों पक्षों से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, 1500 जोड़ों का सामयिक विवाह के बंधन से जुड़ने के इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सबको, सभी परिवारजनों को, उनके नातेदार रिश्तेदार आए होंगे उन सबको हृदय से बधाई देता हूं।
नमस्कार, मैं हूं सोनू सूद और मैं